स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन द टॉपिक फॉर टूडे डिस्कशन इज़ यूनियन वेरिएबल इनिशलाइजेशन देखिए जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशलाइज़ किया था विद द सेम वे हम यूनियन के मेंबर्स को भी इनिशलाइज़ कर सकते हैं बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा कि हम यहाँ पे डेजिग्नेटेड वेरिएबल्स को भी इनशलाइज करेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर और यूनियन के केस में आपने देखा कि स्ट्रक्चर यूनियन बिल्कुल सेम है बट यूनियन में हमें मेमोरी का एडवांटेज मिलता है यूनियन हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें एक टाइम पे केवल एक ही मेंबर को मेमोरी एलोकेट करनी हो उसका यूज़ करना हो यहाँ पर हम एक यूनियन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नेम क्या है डेटा है जिसमें तीन वेरिएबल हैं वेरिएबल वन वेरिएबल टू वेरिएबल थ्री यूनियन के केस में लार्जेस्ट पॉसिबल जो मेंबर होता है फॉर एग्जांपल वेरिएबल टू डबल टाइप का है तो यहाँ पर डबल के लिए जो एट बाइट ऑफ मेमोरी होती है वो एलोकेट हो जाएगी और सारे मेंबर इस मेमोरी को शेयर करेंगे बट स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी अपनी अपनी मेमोरी होती है अब देखिए यहां पर यूनियन मैंने वेरिएबल क्रिएट किया यूनियन यूनियन का नेम और वेरिएबल का नेम यहाँ पे हमने इसको टेन इनिशलाइज कर दिया दिस स्टेटमेंट इनिशलाइज द यूनियन वेरिएबल ये स्टेटमेंट यूनियन वेरिएबल को इनिशलाइज कर रही है दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं इट इनिशलाइज ओनली द फर्स्ट मेम्बर ऑफ द यूनियन वेरिएबल जे यहाँ पर ये केवल फर्स्ट मेम्बर को इनिशलाइज़ कर रहा है मीन्स ये जो वैल्यू जा रही है ये आपकी वेरिएबल वन के लिए वैल्यू शो हो रही है अब हम डेजिग्नेटेड वेरिएबल्स की बात करते हैं देखिए डेजिग्नेटिड इनिशलाइज़र हमें ये फैसलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर में किसी भी मेंबर को वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं अदर देन फर्स्ट मेंबर फर्स्ट मेंबर को छोड़कर आप फर्स्ट मेंबर के लिए करना चाहते हैं तो फर्स्ट मेंबर के लिए भी इनिशलाइजेशन हो सकता है बट अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ पे केवल ये वैल्यू फर्स्ट मेंबर के लिए इनिशलाइज हो रही है आपको वेरिएबल टू को इनिशलाइज करना है वेरिएबल थ्री को निशलाइज करना है तो आप कैसे करेंगे तो इसके लिए एक सिंटेक्स होता है सेम यूनियन वेरिएबल आप मेंशन करेंगे अब यहाँ पे आपको डॉट लगाना है और उसके आगे वेरिएबल का नेम लिखना है जैसे डॉट वेरिएबल टू लिखा आपने वैल्यू नाइन पॉइंट फोरटीन तो ये नाइन पॉइंट फोरटीन जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल टू के लिए प्रोवाइड करा दी गई इसी तरीके से डॉट वेरिएबल थ्री है जिसमें हमने करेक्टर वैल्यू प्रोवाइड करा दी तो स्टूडेंट्स यूनियन में हम एक समय में केवल एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे इसको इनिशलाइज़ करने के लिए डायरेक्ट इनिशलाइजेशन कर सकते हैं बट डायरेक्ट इनिशिलाइजेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है केवल फर्स्ट वेरिएबल के लिए जाएगी अगर आप ये चाहते हैं कि फ़र्स्ट मेंबर को छोड़कर और जितने मेंबर्स हैं उनको अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेजिग्नेटेड वेरिएबल इनिशिलाइजर का यूज़ करेंगे डॉट वेरिएबल टू डॉट वेरिएबल थ्री नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया इसमें भी मेरे पास में कितने मेंबर्स हैं तीन मेंबर्स हैं यूनियन क्रिएट किया इसमें भी मेरे पास में कितने मेंबर्स हैं तीन मेंबर्स हैं अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया मेन फंक्शन में दो वेरिएबल बनाए स्ट्रक्चर के एक एस और एक यूनियन के भी हमने दो वेरिएबल बनाए एक यू बनाया एक हमने बी बनाया नाओ स्टूडेंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए यहाँ पर ये कॉमन ही लगाना है आपको क्योंकि हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यूनियन क्रिएट किया है इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर वेरिएबल एड्रेस वेरिएबल ऑफ़ ए का जब हम एड्रेस प्रिंट करेंगे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा साइज प्रिंट करेंगे साइज़ प्रिंट हो जाएगा अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटीज़र टू बाइट्स लेता है डबल एट बाइट्स लेता है कैरेक्टर वन बाइट लेता है इट मीन्स यहाँ पे इलेवन बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ होगी यूनियन के केस में टू प्लस एट प्लस वन की रिक्वायरमेंट है बट यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल एलिमेंट का जो डेटा टाइप फॉर एग्जांपल डबल इट मीन्स यहाँ पे एट बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी नाउ स्टूडेंट्स जिस तरीके से हम यहाँ पे एड्रेस वेरिएबल का प्रिंट कर रहे हैं साइज़ हमने प्रिंट किया इसी तरीके से हम हमारे पास में हमने एड्रेस ऑफ़ वेरिएबल वन फर्स्ट मेंबर का एड्रेस हमने प्रिंट किया देखिए परसेंटाइल यू स्ट्रिंग यूज़ होती है एड्रेस ऑफ वेरिएबल वन इसके बाद में सेकेंड मेंबर का एड्रेस प्रिंट करने के लिए एड्रेस ऑफ़ सेकेंड मेंबर डेट इज़ वेरिएबल टू

जो साइज़ होगा वेरिएबल का जितनी मेमोरी एलोकेट हो रही होगी मेंबर्स के लिए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आपने देखा कि यूनियन में हमें मेमोरी एडवांटेज मिलता है वो इसलिए मिलता है कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट डेटा टाइप होता है केवल उतनी ही मेमोरी कंपाइलर एलोकेट करता है बट स्ट्रक्चर के, के केस में सारे मेंबर्स के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है तो जहाँ पर ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पर मुझे एक टाइम पे केवल एक ही मेंबर को यूज़ करना है तो आप वहाँ पे यूनियन का यूज़ करेंगे यहाँ पे मेमोरी सेव होती है अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ़ फर्स्ट मेंबर यूनियन के मेंबर को प्रिंट करना है तो एड्रेस ऑफ़ बी डॉट वेरिएबल वन इसी तरीके से एड्रेस ऑफ़ सेकेंड मेम्बर वेरिएबल टू स्लैश एंड एड्रेस ऑफ़ बी डॉट वेरिएबल टू थर्ड मेंबर के एड्रेस को प्रिंट करना है वेरिएबल थ्री यू एड्रेस ऑफ बी डॉट वेरिएबल थ्री तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल की बात करते हैं अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल की बात करें तो जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रक्ट एस ए ए क्या है स्ट्रक्चर वेरिएबल है टोटल मेमोरी एलोकेट होगी वो हमारी टू एट और वन मीन्स यहाँ पे एलेवन बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी एलोकेटेड अब यूनियन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो देखिए वेरिएबल थ्री वन बाइट ऑफ मेमोरी लेगा जो हमने यूनियन बनाया है डेटा नाम का ले लीजिए आप यूनियन इसमें हम एक तो इंटीज़र का वेरिएबल ले रहे हैं वेरिएबल वन डबल टाइप का जो वेरिएबल है उसका नेम वेरिएबल टू है और हमारे पास में कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है वो वेरिएबल थ्री है नाउ, इंटीज़र वेरिएबल टू बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा देखिए ये सारे के सामने हमारी एलोकेटेड मेमोरी है वैकेंट पोजिशन हैं इंटीज़र टू बाइट्स लेगा वेरिएबल वन डबल हमारा एट बाइट्स लेगा वेरिएबल टू और वेरिएबल थ्री हमारा सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी लेगा बट यूनियन लार्जेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप इज़ कंसीडर्ड एंड मेमोरी इज एलोकेटेड टू इट यूनियन में जो लार्जेस्ट मेंबर होता है उसके लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है इट मीन्स यहाँ पे एट बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी बट जिस वेरिएबल को आप एक्सेस करेंगे जिस वेरिएबल को आप फैच करेंगे एट ए टाइम उतनी ही मेमोरी यहाँ पे यूज़ की जाएगी जैसे इंटीज़र का यूज़ है तो केवल दो बाइट यूज़ हो जाएंगी करेक्टर का यूज़ होगा तो वन बाइट ऑफ मेमोरी यूज़ हो जाएगी डबल आया तो एट बाइट ऑफ़ मेमोरी यूज़ हो गई देखिए मेमोरी एलोकेटेड कितनी है एट बाइट्स की है इट मीन्स जितनी भी वेरिएबल हैं यहाँ पे मेमोरी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे यह कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि इंटीज़र आया तो केवल एक बाइट एलोकेट हो गया करेक्टर आया तो केवल इंटीज़र uh, आया तो टू बाइट एलो इंटीज़र आया तो टू बाइट एलोकेट हो गए करैक्टर आया तो वन बाइट एलोकेट हो गए डबल आ गया तो एट बाइट एलोकेट हो गए मेमोरी जो लार्जेस्ट डेटा टाइप है उसकी लिए ही एलोकेट की जाती है यहाँ पे एट बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी इंटीज़र आया तो दो ब्लॉक्स यूज़ हो गए सिक्स ब्लॉक अनयूज हैं करेक्टर आया तो एक ब्लॉक यूज़ हो गया सेवन ब्लॉक्स अनयूज हैं मीन्स यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स क्या करते हैं मेमोरी को शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे हम स्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम यूनियन की बात करें ये दोनों ही हमारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप करने के काम में आते हैं ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हम इनको ड्राइव डेटा टाइप भी बोलते हैं हम इनको एडवांस डेटा टाइप भी बोलते हैं हम इनको स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप भी बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनियन को क्रिएट करने का तरीका उनके वेरिएबल्स को क्रिएट करने का तरीका उनके मेंबर्स को एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम है डिफरेंस केवल हमें वहाँ पे दिखाई देता है इन केस ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे स्ट्रक्चर्स के उन सब के लिए अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी और यूनियन के केस में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के लिए मेमोरी शेयर होती है और जो लार्जेस्ट डेटा टाइप होगा जो लार्जेस्ट मेंबर होगा जो ज़्यादा मेमोरी ले रहा होगा ठीक है हमने यहाँ पे डबल यूज़ किया तो डबल के लिए अगर हम लॉन्ग डबल कर लेते तो यहाँ पे सिक्सटीन बाइट ऑफ मेमोरी अलोकेट हो जाती तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मेमोरी स्पेस का मिलता है और यूनियन का यूज़ आप तभी करेंगे जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांटिटी की बात करें वेट है वॉल्यूम है काउंट है यहाँ पे एक टाइम पे केवल एक ही वैल्यू का यूज़ किया जाएगा या तो आप क्वांटिटी को वॉल्यूम में मेज़र करेंगे या वेट में मेज़र करेंगे या फिर काउंट में मेज़र करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप यूनियन का यूज़ करेंगे जहाँ पे एक समय में केवल एक मेंबर का यूज़ हो रहा होगा Students, I hope you have understood this lecture. Thank you very much.